तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ चुका हूँ मैं वापस आज का ब्लॉग लेकर। आज का ब्लॉग होने वाला है चाउमीन वाला पराठा। क्या चाउमीन वाला पराठा? ये अमान ने खुद डिमांड करी है कि मैं आज खाऊंगा चाउमीन वाला पराठा विद आलू। तो गाइज चाउमीन लेने खुद गया है वो, और मैं बनाऊंगा, टेस्ट भी वो खुद ही करेगा, रिव्यू हम दोनों देंगे। तो मिलते हैं फिर, चाउमीन लेने गया अमान। तो गाइज अमान आ चुका है चाउमीन लेके। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई तो कर रहे हैं हम, लेकिन इस बार ही मैं लग रहा है केस थोड़ा हल्का हो सकता है, मतलब मरने की संख्या है इसमें हमारी। तो प्लीज गाइज तुम फिर मत ट्राई करना इस बार। मुझे मज़े लगा रहे हैं, क्या बात है। सीटी मारते हुए पराठा इस तरीके का लग रहा है वैसे देखने में, क्योंकि इसने डिमांड करी विद आलू की। तो इसके ऊपर पहले आलू लगाना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर चॉकलेट लगानी पड़ेगी। एक काम करो ना, दो बना दो, एक वैसा एक वैसा, क्या बोलते हो? नहीं। ये कितने फिर है? ये ढकने के लिए भाई, चाउमीन इसके अंदर भरी हो जाएगी। ये भी सही कह रहे हो, सिंगल नहीं बन सकता ना पराठा, मतलब सिंगल पेड़े का। सही कह रहे हो, डबल पेड़े का ही बनाना पड़ेगा। चाउमीन में कभी आलू मिक्स होते हुए देखा है तुमने? नहीं ना, आज देखोगे तुम। और पराठा भी देखा होगा चाउमीन का, चाउमीन वाला रोल खाया होगा, लेकिन पराठा। अब हम चलते हैं लेने आलू। मैं नंबर देखे वो तुम देख लेना, इस वाले सीन में मैंने कोशिश तो किया ना इंडिया। तो मैं करता हूँ ये ऑफ। भाई भाई ये हरी मिर्च प्याज है, इसे डालते हैं हम। रियान भाई हैं ये भी खाएंगे पराठा। टेस्ट करोगे चाउमीन वाला पराठा? यस ठीक है, इससे काम करो, मैं दोनों आ दे लेंगे। तो भाई इसे देखने में तो मुझे भी अच्छा लग रहा है पराठा, फिर भी आई विल ट्राई। मैं बता रहा हूँ इनके पराठे की इज्जत अब रही नहीं, नहीं रही अब इनके पराठे की इज्जत। ये चाउमीन डाल चुके हैं, ये देखो चाउमीन। उम्मीद तो है नहीं, ये सारी डाल दोगे क्या? थोड़ा मोटा सा होगा ना भाई। ओके तो आप इसके ऊपर डाल दे, वो डाल दो क्या? हाँ डाल दो टेस्ट के लिए। मसाला मैं एक काम करता हूँ, चाटनी रहने दो ना, इसके लगाया था ना वो दिन तुमने वेज पे लगाया था ना, बहुत बेकार लगा था। तो ये कर दिया हमने बंद, अभी ऐसे लग रहा है जैसे कोई चादर लगे सो रहा हो या हाँ, बाल हो किसी के, इसमें कोई सो रहा है अंदर। ये टेंट हाउस चौबीस वालों का। तो हम चलाते हैं गैस, जिसे बोलते हैं लाइटर, ये ऑन किया, हमें तो पता ही नहीं था। ये वैसे भी साफ बात है, बोल रहे हैं लाइटर, इससे ऐसा गैस। ओके मुझे लगा इससे ना गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियाँ स्टार्ट होती है इससे। कैसे कैसे लोग हैं हमारे, यहाँ तो गैस स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट। तो इतने तवा गर्म हो रहा है तो हम क्या करें, इतने ये वाले चौबीस बच्चे एक खाते क्या बोलते हो? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, कट 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 कट। हम जा रहे हैं इसे तवे पे डालने, और तो जा पहले ये उगा। अरे 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 सारा निकल रहा है जी। अच्छा लगेगा आप लोगों को भाई, कम से कम ये पराठा मिनिमम 3 किलो का होगा। ओ भाई गाइस पेट में जाने वाला है 3 किलो का। मैं अकेला खाने वाला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ एक ये महरूफिया है, एक वो महरूफिया है। अगर तुम कमेंट करोगे ना तो चाय वाला भी पराठा बन जाएगा। नहीं चाय की पत्ती वाला बन जाएगा, चाय वाला नहीं बना, नहीं ज्यादा हो गया। या एक काम करता हूँ, चाय बनाने के बाद उस आटे को मैं उस चाय में भून लेता हूँ। अरे सर तुम कमेंट करना, अगर तुम्हें जो सा पराठा खाना हो तो हाँ। वो वाला पराठा हम ट्राई करेंगे।
सीखने वाला है बहुत। ऐसा लग रहा है अंडे वाला हो गया इसकी। तो ये है अमान का फैन। ओ भैया जहाँ भी अमान देता है उसकी साइकिल भी बिक जाते हैं अमान। मैं दुकान पे आके देखता है वहां तो नहीं बैठा कहीं ये। हाँ चलो, बनने के बाद ये टेबल पे आता है। तो हम पराठा हो चुका है रेडी, अजीब भाई ला रहे हैं टेबल पर। ये लो पराठा। ये लग नहीं रहा वैसे, चौमिन का पराठा है वैसे। मैं कट करूंगा। ओके, मैंने कट करा नहीं, हाथ से कौन सा कट होता है। ये ओ ये ओ भाई साहब, और ये मतलब ऐसे देखो कट करने के बाद। लुक एट दिस गाइस, वाओ, दिखने में तो अच्छा लग रहा है वैसे। विद आलू है इसके अंदर। तो मैं चटनी देता हूँ पहले। हैं अजीम भाई ट्राई करने वाले हैं चटनी का। चटनी हाँ, चटनी के बिना तो कुछ है ही नहीं ये। लो जी भाई साहब, ये लिया है चटनी। और ले काम पर तू ट्राई कर। हाँ पूरा करना है पीस। मजाक कर रहा हूँ क्या, बताइए। सीरियस बनाना है, सीरियस मास्टर शेफ बन जाओ बिल्कुल ही। हाँ तो कैसा हो रहा है? बहुत टेस्टी। मैं नहीं कर रहा टेस्ट, तू कर रहा है, इसमें डर लग रहा है। जी भाई ये कौन से नदी में डाल दिया तुमने मुझे? कौन सी नदी में? हाँ भाई, हाँ ठीक है, चलिए समझ जाओ यार मेरी फीलिंग को। हाँ समझ जाओ। तो गाइस मैं गिरने जा रहा हूँ खाई में अब लस्सी, क्या मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। गर्म हो रहा बहुत तेज भाई, चौमिन में जान डालते हैं कसम से। सच में सही लग रहा है क्या? है यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बकवास। और तो फिर मैं अब ट्राई करने वाला हूँ, मतलब इन दोनों ने अच्छा कहा है लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं मैंने तो बुरा कहा है वैसे, थोड़ा बहुत मतलब ओके ओके। चौमिन का भी टेस्ट बदल दे परांठे में। सही है, ओके ओके। लेकिन जो मोमोज पराठा था उसकी बात ही अलग थी यार, क्योंकि इसमें चिकन पड़ा था ना। देखो इसने फिर खराब बनाया फिर खाया, अब ये पूरा पीस खाना ही पड़ेगा मजबूरी में। हाँ तो भाई अगर चौमिन वाले ने देख लिया ना कि हमने उसकी चौमिन के साथ क्या किया है, दुकान बंद कर देगा वो। नहीं नहीं दुकान बंद नहीं करेगा वो भाई, वो करेगा मतलब सुसाइड। इसका चौमिन का जो हमने हाल किया है ना, हाँ। उसे देख के करेगा वो सुसाइड। वीडियो एंड हो चुकी है। पराठा कैसा था? नॉर्मल था, नॉर्मल था, मतलब बेसिक खाने लायक था, खाने से अच्छा नहीं था आज। और आगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना कि कौन सा पराठा आप लोगों को पसंद है, नेक्स्ट टाइम में हम क्या ऐड करें उसमें। तो प्लीज गाइस अपना ओपिनियन देना कमेंट में, बोलो, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।